जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता अच्छे होंगे और अपने ट्रेड टेस्ट की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि आपका भाई आपके बीच में बना हुआ है आपको ट्रेड टेस्ट में पास कराने के लिए। हर हालत में आपको ट्रेड टेस्ट पास कराएंगे, इसके लिए हमको चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े। ठीक है दोस्तों, तो SSB कांस्टेबल ट्रेड्समैन की भर्ती 2020, इसी पे बात कर रहे हैं। और दोस्तों, आपके पॉजिटिव कमेंट मिले और आप लोगों ने बताया कि सर हम आपकी वीडियो देखकर पास हुए हैं, दोस्तों सभी का दिल से धन्यवाद। इसी दिन के लिए मैंने इतनी मेहनत की थी और आप लोगों ने इसको जो है पूरा करके दिखाया है। तो दोस्तों, आज मैं बात करूंगा जे के मोची, जिसको हम देसी भाषा में बोलते हैं मोची, पर वहां पर कोबलर के नाम से इसको बोला जाता है। ट्रेड टेस्ट में क्या क्या करवाया जा रहा है, क्या क्या लेके जाना है और क्या क्या आप लोगों को ध्यान देना है। ठीक है, सबसे पहले तो आपका इंप्रेशन ऐसा होना चाहिए चेहरे का कि बोलिए सर क्या करना है। मतलब आपको ऐसे घबराना नहीं है, जूता पॉलिश कैसे होगा, सिलाई कैसे होगी, होगा, क्योंकि हम उस ट्रेड में भर्ती होने वाले हैं। आपका भाई आपके लिए मेहनत कर रहा है, इसलिए आप उसमें पास होंगे। ठीक है, तो देखिए, आपको जूता सिलाई करना है और जूता पॉलिश करना है। यहीं पर आपका ट्रेड टेस्ट जो है मेन जो है आपके दो ही काम हैं, जूता पॉलिश और जूता सिलाई। ठीक, अब देखिए, जूता आपको कहाँ से मिलने वाला है, आपको ले जाना पड़ेगा ये भाई मिलने वाला, कैसा जूता होगा, कहाँ से सिलना होगा। दोस्तों, आप घर से जूता लेके जाएंगे, वहाँ वो आएगा, ऐसे आप सब जूता लिए बैठे होंगे। अगर घर से नहीं ले आते हैं तो वहाँ से व्यवस्था करनी पड़ती है, इसलिए अच्छा है कि घर से कोई पुराना जूता ले जाएं। तो जब वो आप बैठे होंगे तो वो आएगा कटनी लेके, कटनी से सबको काटता हुआ चला जाएगा। ठीक है, उसको सिलना है, फिर उसको पॉलिश करके बढ़िया से जूते को चमकाना है। ठीक, इसके बाद में आपको वाइवा होगा। क्या होगा आपका वाइवा? इसमें वाइवा में देखिए, आपके टूल्स औजारों की पहचान आपको होनी चाहिए, क्या क्या, जैसे लोहा स्टैंड होता 3 फिंगर वाला, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में कैंची, सुई, धागा, कटनी, पंच, जो भी मतलब आपके औजार हैं। अभी इन औजारों को हम कहाँ से याद करें, कैसे करें सर, इसके लिए तो बड़ी मुश्किल है भाई। अगर आप मोची में भर्ती होना चाह रहे हैं तो आपको इन औजारों को जानना जरूरी है। इसके लिए आसान उपाय मैं बता सकता हूँ। आपके आसपास में सिटी होगी, सिटी में जो है कोई स्टेशन होगा, स्टेशन के पास में बहुत लोग मोची बैठे रहते हैं। एक तो आप वहाँ जाकर उनसे पूछ सकते हैं, सीख भी सकते हैं। दूसरी, आप किसी भी सिटी में रहते हैं, स्टेशन नहीं कोई बात नहीं है, बिना स्टेशन के भी कहीं ना कहीं पर सिलाई का काम, जूता कटाई का काम होता ही होता है। वहाँ पर जाकर उनके औजार भी देख लें और उनको पहचान लें, आपसे नाम पूछेगा तो सारे उनके नाम याद कर लें और जो है अपना जूता पॉलिश के लिए सीख लें, और इसके बाद में आप जो है जूते को सिलना और पॉलिश करना। ठीक, क्या क्या लेकर जाना है? तो दोस्तों देखो, कैंची ले जाना, कटनी ले जाना, सुई ले आना, धागा ले आना, जूता ले जाना। ठीक है, ले जाओगे तो अच्छी बात रहेगी। और पॉलिश के सभी सामान लेके जाना, जैसे कि आप ब्रश हो गया, चेरी हो गई, ये आपको लेके जाना है। लेके जाओगे तो लगेगा कि हमारा तो साफ काम ही है, एक छोटा सा बैग ले जाना, सबको उसमें रख के ले जाना। ठीक, वहाँ पे आपका इंप्रेशन एकदम हंसते मुस्कुराते होना चाहिए, आपको लगना चाहिए कि सर बताइए क्या करना है, तुरंत एकदम जूता पॉलिश खटाखट, सिलाई फटाफट, ये क्या है तुरंत नाम बता देना, पास हो जाएंगे। जो मेरे भाई से बात हो रही है वो यही कह रहे हैं कि साहब आपकी वीडियो हम देख के प्रभावित हुए और कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हम ट्रेड टेस्ट में पास होंगे, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके वजह से हम ट्रेड टेस्ट पास हुए हैं। दोस्तों, आपका मैं भी आभार व्यक्त करूंगा, क्योंकि आपने वीडियो पर विश्वास किया और उसके कंटिन्यू आपने मेहनत की, तभी आपका सलेक्शन हुआ है। ठीक है, मेन ट्रेड टेस्ट होती है जो आपने सीढ़ी पार कर दी है, अब आपका कोई जो है सलेक्शन नहीं रोक सकता, आप सेलेक्ट होंगे। और मेरा जो वादा है कि 1522 जो सीट है SSB कॉन्स्टेबल ट्रेड्समैन में, सारे भाई अपने ही यहां से लगेंगे, एक भी भाई इधर उधर से नहीं, सारे भाई यहां से ही वीडियो देखकर लगने वाले हैं। जो जो वीडियो आपकी हैं, सारी वीडियो देखने, जिसकी जो ट्रेड है उसके अनुसार, और बिल्कुल वो अपनी तैयारी कर रहे हैं। कुछ लोग तो पास हो चुके हैं, बाकी भी होने वाले हैं। ठीक है, जो फेल हुए हैं घबराने की जरूरत नहीं है, एक भर्ती में अगर फेल हो जाता तो जीवन खत्म नहीं हो जाता है, क्योंकि अभी और भी मौके आएंगे। 543 पदों पर नई भर्ती है, इधर जो है असम राइफल में भी ट्रेड की भर्ती आ रही, तो काफी के भर्तियां हैं, आप मेहनत करते रहें बस। ठीक है, तो दोस्तों यही सब होने वाला है। कोबलर के लिए बिल्कुल चिंता ना करें, एक बार स्क्रीनशॉट ले लें और अपने जो है बढ़िया से इन चीजों को समझ लें। ठीक है, सारी रणनीति बता दी है, पास होना आपका काम है और मुझे खुशी मिलेगी आप पास होइए। ठीक है दोस्तों, मिलता हूं फिर अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।